चलिए आज हम सीखेंगे कि प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और मैनिफोल्ड वाल्व तीनों में क्या अंतर होता है, कैसे हम उसका सही तरीके से यूज कर सकते हैं, एसी फ्रिज के सिस्टम में जब हम गैस चार्ज करते हैं या गैस निकालते हैं तो कैसे हम इसका यूज करते हैं, आखिर जब इसमें प्रेशर भरता है तो इसकी सुई ऊपर क्यों बढ़ती है, इन्हीं सब के बारे में आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे। कौन इसका सही तरीका है, कहां से हमें इन और कहां से आउट कराना चाहिए, उन सब के बारे में पूरा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसके अंदर जब गैस जाती है तो इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है कि सुई ऊपर चलने लगती है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें, देखिए ये जो हमारे तीनों गेज है ना, एसी फ्रिज के सिस्टम में प्रेशर चढ़ाते समय, वैक्यूम करते समय इसका यूज किया जा सकता है, गैस चार्ज करते समय भी इसका यूज किया जाता है। प्रेशर चढ़ाने का मतलब यह हुआ कि अगर उसकी पाइपों में कहीं पर लीक होता है, उसको हमें चेक करना है तो हम इसका यूज करते हैं। अगर उसके अंदर की नमी को हमें बाहर निकालना है तो हम इसी गेज का यूज करते हैं। अगर उसमें गैस चार्ज करना है तो भी हम इसी गेज का यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम यहां पर सबसे पहले विस्तार से समझेंगे। यहां पर देख पाएंगे ये जो चित्र की साइज है, यहां पर ये थोड़ा बड़ा बना है, ये थोड़ा छोटा बना है, तो बड़ा छोटा पे मत जाइएगा। सभी गेज की जो साइज होती है वो बराबर होती है, एक ही होती है, लेकिन वो जो बड़ा छोटा बना है ना, यहां पर समझाने के लिए, ताकि ये वाली चीज आपको दिखाई दे सके और समझ में आ सके कि इसके अंदर कहां से हम इन करवाते हैं, कहां से आउट करवाते हैं, इन जहां से करवाते हैं उसका संपर्क कहां से होता है, उसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा तीनों गेज में हम डिफरेंस आपको बताएं। ये हमारा प्रेशर गेज है, ये कंपाउंड गेज है और ये मैनिफोल्ड वाल्व। तो देखिए प्रेशर गेज क्या होता है, प्रेशर गेज के द्वारा एसी फ्रिज के सिस्टम में प्रेशर भरा जाता है। प्रेशर भरने का क्या मतलब हुआ कि अगर उसकी जो पाइपें हैं उस पाइप में कहीं पर अगर लीकेज हो गया तो लीकेज को चेक करने के लिए हमें पहले उसमें प्रेशर भरना होगा, हवा भरनी होगी, और वो हवा जब हम उसमें प्रेशर भरेंगे ना तो इसी गेज के द्वारा उसको नापेंगे हम कि कितना हवा भरे थे और अब कितना बचा है। तो ये हो गया, जैसे नहीं बाइक में हवा भरवाने जाते हैं ना, उसके पास एक छोटा सा गेज रखे रहते हैं ना, सब आपके टायर में ट्यूब में लगा करके वहां पर वालों पर चेक कर लेते हैं, हाँ इसमें 40 पाउंड है, इसमें 35 पाउंड है, यानी हवा कम हुई है, यानी हवा बराबर है, तो उसको चेक करते हैं ना। ये वही गेज होता है प्रेशर गेज, जिसके द्वारा हम एसी फ्रिज की पाइपों के अंदर का प्रेशर चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें इतना गैस भरा था, अभी उतना है या उससे कम हो गई है। तो ये हमारा प्रेशर गेज होता है जो कि प्रेशर बताता है। इसमें देखिए सुई जो होती है वो सिर्फ प्लस में चलती है, यानी ऐसे आगे बढ़ती है, इसमें 50, 100, 150, 200, 300 ऐसे करते करते 550 तक लिखा होता है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर गेज। दूसरे गेज की बात करें, ये हमारा कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज क्या होता है कि इसमें जो सुई होती है वो प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी आ सकती है। अब मतलब समझिए, इसके द्वारा एसी फ्रिज के सिस्टम में हम प्रेशर भी चढ़ाते हैं और वैक्यूम भी कर सकते हैं। प्रेशर चढ़ाने का मतलब लीकेज चेक करने की जो बात है, आप इससे भी कर सकते हैं और वैक्यूम भी कर सकते हैं, यानी जब हम प्रेशर को बाहर निकालते हैं, उसके अंदर की नमी को बाहर निकालते हैं, तो ये सुई जो है इसमें माइनस में भी जाने के लिए जगह होती है। जैसे देखिए इसमें यही डिफरेंस होता है, ये प्लस में भी सुई जा सकती है और जहां है वहां से माइनस में भी आ सकती है। तो माइनस में कब आती है, जब हम उसके अंदर के प्रेशर को निकालते हैं यानी वैक्यूम करते हैं तो सुई माइनस में आती है, और जब हम उसमें प्रेशर भरते हैं यानी जब हम गैस चार्ज करते हैं तो भी इसी का यूज करते हैं तो ये प्लस में बताती है। तो ये प्लस और माइनस दोनों में बताती है। उसके अलावा मैनिफोल्ड वाल्व क्या होता है, मैनिफोल्ड वाल्व में ना ये दो घड़ी के आकार की सुइयां बनी होती हैं, जिसमें एक प्रेशर गेज का होता है और एक कंपाउंड गेज का होता है, और इसका प्रयोग जब हम प्रेशर चढ़ाते हैं तब कर लेते हैं और जब हम कंपाउंड, जब हम वैक्यूम करते हैं तब कर लेते हैं। यानी कि मैनिफोल्ड वाल्व का प्रयोग हम प्रेशर चढ़ाते समय या वैक्यूम करते समय हर समय कर सकते हैं, यानी ये दोनों का मिश्रित रूप होता है, क्योंकि इसमें दो गेज एक साथ लगे हुए हैं ना, दोनों का ये ज्वाइंट रूप होता है। यहां पर वो दोनों अलग अलग है, यहां पर दोनों ज्वाइंट है। जब दोनों ज्वाइंट हो गए तो इसका नाम हो गया मैनिफोल्ड वाल्व। ये प्रेशर गेज प्रेशर भरते समय, कंपाउंड गेज प्रेशर निकालते समय, और ये दोनों के समय मैनिफोल्ड वाल्व। तो ये हो गया हमारा गेज की पहचान। अब उसके बाद बात करते हैं ये कार्य कैसे करता है, आखिर इसके अंदर हमें कहां से इन और कहां से आउट करानी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या पॉइंटर है कि इसमें इन और आउट करवाने के लिए ना, हमेशा ये जो नीचे का पॉइंट है इसको आप समझिए, ये जो नीचे का पॉइंट है ना, इसी का संपर्क सुई से होता है। जो नीचे का पॉइंट है इसी का संपर्क सुई से होता है सीधा सीधा। जैसे ये देखिए, ये जो साइड में इसमें हैंडल बना हुआ है ना, सब में यहां पे हैंडल बना हुआ है, ये जो साइड में हैंडल है ना, इसको तो हम ढीला और टाइट कर सकते हैं, ऐसे घुमा करके इसको हम ढीला और टाइट कर सकते हैं, ये हमारा हैंडल है। लेकिन देखिए जब हम इसको टाइट कर देते हैं ना, ये देख पाएंगे ये लोहा इसमें अंदर जाता है,
यानी कि ये जो पॉइंटर है ये इसमें जब अंदर जाता है तो ये क्या करता है, ये जो साइड वाला सिरा है इसको बंद कर देता है। इसको अगर हम पूरी तरह से टाइट कर दे तो ये साइड वाला पॉइंट बंद होता है, नीचे वाला नहीं। नीचे वाले का संपर्क सुई से हमेशा बना होता है, लेकिन जब हैंडल को टाइट कर दिया जाता है तो साइड वाला जो पॉइंट है वो बंद हो जाता है। मतलब इसको समझिए कि अगर इसको हम बंद करके पूरी तरह से हैंडल को बंद करके और नीचे से अगर हम फूंकते हैं ना तो इसकी सुई आगे बढ़ सकती है, लेकिन हाँ अगर उतने अपने अंदर पावर होनी चाहिए कि हम इसमें कितना फूंक पा रहे हैं, यानी कि नीचे वाले में अगर हमें प्रेशर दे तो ये सुई बताएगी कि कितना प्रेशर है, लेकिन साइड वाले में दे प्रेशर तो ये सुई नहीं बताएगी, क्योंकि जब हैंडल को बंद कर दिया जाता है तो साइड वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है वो बंद हो जाता है जब हम हैंडल को टाइट कर देते हैं, और जब हम हैंडल को ढीला करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है ये खुल जाता है, यानी ये तीनों डायरेक्ट खुले रहते हैं। इसीलिए ये जो नीचे का पॉइंट है ये हमें वहां लगाना चाहिए जिसका प्रेशर हम नापना चाहते हैं। जैसे जैसे कि हम फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं या फिर प्रेशर भर रहे हैं तो हम इसका यूज ये जो नीचे का पॉइंट है ये आउट करवाएंगे, यानी ये हम अपने फ्रिज में लगाएंगे, ये फ्रिज में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी फ्रिज है तो इसकी साइड को हम फ्रिज में लगाएंगे और यहां से हम इसमें हवा भरेंगे। अब सोचिए कि अगर यहां से हवा निकल के जा रही है तो फ्रिज में भराएगी, और जब फ्रिज में हवा भर जाएगी हैंडल को टाइट कर देंगे, ये साइड वाला पॉइंट बंद हो जाएगा ना, ये फ्रिज में जितना प्रेशर भरा है उसका संपर्क डायरेक्ट सुई तक तो रहेगा ना। इसीलिए क्या होगा कि ये जो सुई है ये आगे बताती रहेगी, इसके अंदर जितना भी प्रेशर भर देंगे उतना प्रेशर ये बताता रहेगा कि हाँ इसमें इतना प्रेशर भरा जा चुका है। इसलिए ये नीचे का संपर्क जो होता है वो डायरेक्ट सुई से होता है, साइड का संपर्क हैंडल बंद करने के बाद बंद हो जाता है, यही इसमें मेन पॉइंट है। बस नीचे से हमेशा क्या करना है, आउट करवाना है या फिर नीचे को उस स्थान पे लगाना है जहां के प्रेशर को हम नापना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रेशर गेज काम करता है। अब समझिए कंपाउंड गेज का भी सिरा वही है, ये जो पॉइंटर बना है ना ये कंपाउंड गेज का ही था, तो ये कंपाउंड गेज भी उसी प्रकार से कार्य करता है और प्रेशर गेज भी उसी प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि इन और आउट के दो पॉइंट इसमें भी होते हैं, इन और आउट के दो पॉइंट इसमें भी होते हैं, लेकिन मैनिफोल्ड वाल्व में टोटल तीन पॉइंट होते हैं, दो हैंडल होते हैं, दो गेज लगे होते हैं, उसका प्रयोग अभी बता रहे थे। ये हमारे दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है मैनिफोल्ड वाल्व। देखिए यहां पर भी आप समझ सकते हैं विस्तार से कि इसका जो इसमें भी दोनों तरफ हैंडल लगा हुआ है। अब मान लीजिए ये प्रेशर गेज का है, ये कंपाउंड गेज का है, तो जब हम इसमें कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद करेंगे तो ध्यान दीजिए कि ये आगे वाला सिरा बंद होता है। यहां पर भी हम इसको बंद कर रहे थे, ये सामने का ही बंद होता है ना, क्योंकि ये जो गेज का हैंडल है ना वो सीधे अंदर जाता है, तो यहां पर भी ये इस साइड को बंद करता है। अगर हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये इस साइड को बंद करता है। अब समझिए कि हमें किस गेज का यूज करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें प्रेशर गेज का यूज करना है, तो प्रेशर गेज को हम कैसे प्रयोग करेंगे कि सबसे पहले प्रेशर गेज को यूज करना है तो कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद करेंगे। जब हम हैंडल को बंद करेंगे ये पॉइंट बंद हो जाएगा, हमें दो पॉइंट मिल गया ना। लेकिन देखिए ये नीचे का जो पॉइंट है ये नीचे का पॉइंट है, यानी ये आउट वाला पॉइंट होगा हमारा, यहां से हम आउट करवाएंगे। कैसे, अगर यहां से आउट नहीं करवाएंगे ना, इसी के अंदर जो प्रेशर भरेगा तभी तो ये सुई बताएगी कि हाँ इसमें कितना प्रेशर भरा गया, क्योंकि प्रेशर भरने के बाद जब हम हैंडल को बंद करेंगे तो ये भी इस साइड को ही बंद करेगा, तो यहां से नीचे से हम आउट करवाएंगे। और ये जो बीच का पॉइंट है ये इन का पॉइंट होता है, देखिए ये हमेशा इन करवाने का ही पॉइंट होता है, चाहे हम प्रेशर गेज का यूज करें चाहे कंपाउंड गेज का यूज करें, लेकिन बीच वाले पॉइंट से इन कराते हैं और दोनों साइड के पॉइंटों से आउट कराते हैं। जो बीच से इन कराएंगे तो देखिए अगर हमें प्रेशर गेज का यूज करना है तो कंपाउंड गेज को पहले ही बंद कर देंगे, तो जब बंद कर देंगे तो यहां से इन करवाएंगे तो गैस निकल के इधर ही जाएगी ना, उधर तो रास्ता ही बंद है ना, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा इसमें पूरा प्रेशर भरेगा, और जब प्रेशर भर जाए तो हम क्या करते हैं इसके हैंडल को बंद करेंगे। जब इसके हैंडल को बंद करेंगे आप समझिए इसका संपर्क सुई तक रहेगा, और सुई में जितना भी आप प्रेशर भरे रहेंगे उतना तक वो बताती रहेगी। सोचिए अगर कभी उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, हैंडल को जब टाइट कर देंगे ना तो ये जो सुई है वो जीरो पे आ जाएगी, वो आगे प्रेशर नहीं बता पाएगी। तो इसी प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। और अगर कंपाउंड गेज की बात करें, अगर उसका यूज करना है तो इसके हैंडल को बंद करिए और यहां से आउट करवाइए, जो भी उपकरण है जितना भी प्रेशर भरना है भरिए, इसी का संपर्क सीधे सुई से रहता है। तो इसी प्रकार से हम इसका कंपाउंड गेज का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और मैनिफोल्ड वाल्व से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत